स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड विश यू ऑल पीपल आर फाइन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर एटमॉस्फेयर, चैप्टर नंबर 14 की, और आज बात होगी टेस्ट योरसेल्फ 14.2। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज के पहला क्वेश्चन जो है 14.2 का ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूटेंट। आप एयर पोल्यूटेंट को जो है के बारे में क्या जानते हैं? सो द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेंजरस एयर पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड और सल्फर भी मौजूद हैं। तो दीज आर द एयर पोल्यूटेंट्स, इनको आप किसी हद तक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स भी कह सकते हैं। हम आगे शायद पढ़ेंगे, बल्कि यही नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि नेम थ्री प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? सो दीज आर बेसिकली प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, राइट? याद रखिएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एज प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी प्राइमरी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी प्राइमरी बता दिया था वैसे आपको, चल दोबारा बता देते हैं, बल्कि आइडेंटिफाई करना है इसमें। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन। तो इसमें जो प्राइमरी है वो सल्फर डाई है प्राइमरी, मीथेन प्राइमरी है, विद मीथेन एंड अमोनिया प्राइमरी है, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में जो है वो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखें ये ड्रिवेटिव्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड का ड्रिवेटिव नाइट्रिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड का ड्रिवेटिव सल्फ्यूरिक एसिड है, और ऑक्सीजन का ड्रिवेटिव ओजोन है। तो जो ड्रिवेटिव्स होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जो प्राइमरी समथिंग लाइक द पेरेंट्स कंपाउंड, यू कैन से। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ, राइट? जस्ट नीड टू टेस्ट योरसेल्फ अलॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। Why is carbon dioxide is called greenhouse gas? Carbon dioxide को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? Because the layer of atmosphere, carbon dioxide act like a glass. You can just say that कि जो अगर अर्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ ग्लास। अगर हीट आ तो जाती है शॉर्टर वेवलेंथ, लेकिन बड़ी वेवलेंथ सारी अंदर ट्रैप हो जाती हैं, तो एक ग्लास के तौर पर एक्ट करती है। जैसे ग्लास होता है, अगर लेट्स से दैट लाइट आ रही है तो ग्लास क्या करेगा कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। दैट मेक्स एन आइडिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीट आती है अंदर तो आ जाती है, लेकिन जब टकराने के बाद बड़ी वेवलेंस बनती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सारे हीट के प्रोसेस को बिगर वेवलेंस को ट्रैप करके रखती है, और इस तरह से ग्लास के तौर पर एक्ट करती है। सो यू कैन जस्ट से दैट कि बिकॉज द लेयर ऑफ एटमोसफेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस एंड वार्म द अर्थ, उससे अर्थ को वार्म मिलता है, यानी अर्थ स्टेज विद द टेम्परेचर इट इज, देयर फॉर इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस कौन से स्टूडेंट्स बताएं? वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस हो सकते हैं, मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस हो सकती है। देयर आर लॉट मोर गैसेस, राइट? सो लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 5, राइट? व्हाई द फ्लड रिस्क आर इंक्रीजिंग। ये जो सैलाब आने के खतरात हैं ये बढ़ क्यों रहे हैं? So, due to greenhouse effect, temperature of atmosphere is increasing about 0.05% a year. It will, हर साल इतना temperature बढ़ रहा है guys, ये देखो ख्याल करो जरा, motorcycle कम चलाया करो। It will melt the glaciers, ये glaciers को भी melt कर रहा है। Glaciers पता है आपको, जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ होती है, पहाड़ों होते हैं ऊपर चोटियों पर जो बर्फ होती है, एंड स्नो कैप्स, इनको स्नो कैप्स भी कह लें, बल्कि थोड़ी गलती होगी, ग्लेशियर्स वो जो समंदर होते हैं, समंदर में जो बड़े बड़े बर्फानी तोते होते हैं, बर्फ के जो बड़े बड़े ढेर होते हैं ग्लेशियर्स कहते हैं, वो पिघल रहे हैं, स्नो कैप्स पिघल रही हैं। सो दैट इंक्रीज फ्लड रिस्क। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6, राइट? लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6 एंड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, you're talking about comment burning is in open air is preferred. खुली हवा में बर्निंग को प्रेफर क्यों किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ सकता है। सो इन ओपन एयर प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, एज अ रिजल्ट कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। यानी प्रॉपर कार्बन मोनो नहीं बनती, अगर आप कमरे के अंदर चलाएंगे ना तो कार्बन मोनो बनेगी, लाइफ थ्रेटनिंग है, ऐसा आपको डेथ कॉज कर सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट फॉर्म विच इज हाईली पॉइजनस एंड साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का एमसीक्यू आ सकता है आपको बोर्ड में, तो इसको आप तैयार करें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट।
ओके सो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एमिटेड नेचुरली, यानी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये हाउ दे आर कमिंग टू द एटमोसफेयर, यू नो नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड एमिटेड इन द बैक्टेरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कोई गला थड़ा यू नो पत्ते हैं या कोई जंगल ख़राब हो गया या कोई आई डोंट नो कोई बॉडी वगैरह कोई जानवर वगैरह की, तो वहाँ से सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यू नो बैक्टीरिया शक्टेरिया जो हैं ये निकालते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक गैसेस, यानी पहाड़ जब भरते हैं, पहाड़ आर देयर राइट, और ये वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो तब भी ये वोल्केनिक गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा होती है। तो फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों को आग लग जाती है तब भी ये प्रोसेस होता है राइट, तो यानी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स बाहर आते हैं क्योंकि पत्तों में और दरख्तों में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई यू कैन जस्ट से दैट कैसा होता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योर सेल्फ, हाउ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबशन इंजन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी फॉसिल फ्यूल्स की अगर फॉर एग्जाम्पल हम बर्निंग को चेक करें तो इंटरनल कंबशन इंजन यानी जो आपकी मोटरसाइकिल का इंटरनल इंजन या कार का इंटरनल इंजन है उसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे बनती हैं। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द इंटरनल कंबशन इंजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर, यानी अंदर उसमें यू नो तेल के अंदर जो फॉसिल फ्यूल है या पेट्रोल शेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर यू नो नाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद हैं तो ऑक्सीजन भी होता है इंजन में, दोनों मिल जाते हैं। सो ड्यूरिंग कंबशन यानी जलने के दौरान टेम्परेचर बिकम्स सो हाई दैट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन of the react and form nitrogen oxide, यानी NOx ये जो है वो बन जाती है and that as a result जो है आप कह लो कि nitrous oxide जो है वो बनती हैं in the internal combustion engines। So students, I hope आपको ये video पसंद आई होगी, इसमें सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, इनको prepare करें exam के लिए, important है। अभी channel को like subscribe किए बगैर मत जाइएगा, comment करें बेहतर कैसे कर सकता हूँ इस channel को, और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा राइट। और हाँ आखिरी बात, डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाएँ, सारे लिंक्स पड़े हुए हैं सारी टेस्ट सेल्फ पे आपकी किताब के, तो लिहाजा आप उसको देख सकते हैं, या एक्सरसाइज के अंदर जाएँ, एक्सरसाइज के लिंक को ओपन करें और फिर वीडियो के लिंक को ओपन करें, आपको सारे जो हैं मुतलका लिंक्स मिल जाएंगे राइट, या फिर चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में जाने के बाद अपने मुतलका चैप्टर को ढूंढ कर अपनी यू नो कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।